मैं समझता हूँ मेरी इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दारुल असबाब में इनको दरिया सबब बनाया, जबकि इस रूहानी ताल्लुक से पहले ही मैं इनका कमाल देख चुका था। आप लोगों को ताज्जुब होगा, आप में से कितने लोग कितने साल से हजरत से मुतालिक होंगे, मगर आपको ताज्जुब होगा कि एक वाकया मैं सुनाऊंगा। यूपी में हज करने के लिए कुरान दादी होती थी, कभी नाम आता था कभी नाम नहीं आता था। मैं हजरत से मिला, मैंने कहा हजरत मेरा इरादा हज में जाने का है, मगर यूपी में हज करने से जाने में कुरान दादी होती है, क्योंकि मेरा पहला सफर है, अगर मैंने नाम दिया और कुरान में नाम नहीं आया तो दिल को ठेस लग सकती है, इसलिए मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करने आया हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे काबतुल्लाह की तैयार करा। हजरत उस वक्त उमरा में गया है, हजरत उमरा के लिए बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए, वहाँ काबतुल्लाह के सामने मकाब में हरम के इहाते में हजरत ने वहाँ से मुझे फोन किया कि तुमने हज के लिए दुआ के लिए कहा, मैंने नाम लेकर के तुम्हारे लिए दुआ किया है, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा भर दो तुम्हारा नाम हो गया है। हरम के सहन में खड़े होकर के तुम क्या कहा, मैं हरम के मकाम पर खड़ा हूँ, मैंने दुआ किया है, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारा नाम आएगा काम भर दो। मैं इलाहाबाद सफर में था, रात ही रात मैंने लखनऊ का सफर किया और सफर के दौरान मैंने जा करके हज का फार्म भर लिया। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा नाम आ गया। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के दिल को इतना साफ शफाफ आईना दार बनाया है कि जब वो अपने अल्लाह से कोई बात ताल्लुक का वास्ता दे करके करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल कर देते हैं। ये हजरत मौलाना की करामत है जो मैं आपके सामने इशारतन जिक्र कर रहा हूँ। ताल्लुक से पहले ये चीज मैंने अपनी आँख से देखी और ताल्लुक पैदा होने का गैबी ये जरिया मैंने आपको बताया कि मौलाना ने खुद फोन किया कि मुझे तलकीन किया जा रहा है कि उनकी निगरानी करो, तुम बताओ तुम क्या अमल कर रहे हो, क्या तुम्हारे मामूलात हैं। इस तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत से करीब होने का ताल्लुक होने का जरिया और सबब बनाया है। ये उनकी बढ़ाई है, उनकी नमाजी है कि हम जैसे गाफिल और काहिल, हम जैसे गाफिल और काहिल आदमी पर वो एतमाद करते हैं। और सच्ची बात ये है जो कुछ है वो मौलाना की खुसूसी तवज्जो का नतीजा, मौलाना की खुसूसी तवज्जो का नतीजा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस तरबियती मरीज को और शेख की हुजूरी और मौजूदगी को ये अपने वास्ते रूहानी ईमानी रिजा तस्वूर, अपने लिए रूहानी ईमानी रिजा तस्वूर कीजिए। शेख की सोहबत में बैठना और शेख को मुतवज्जे होकर देखना और दिल के काम से शेख की बात सुनना, ये अकीदतमंद के लिए तरक्की का जीना। और बाद लोग मौजूद तो रहते हैं, बहुत करीब में बैठे दिखाई देते हैं, मगर उस बैठने का जो मकसूद और मतलूब है उस पर ध्यान नहीं देते तो बरसा बरस गुजर जाता है, उम्र का बड़ा हिस्सा गुजर जाता है, मगर नफा जिस तरह पहुंचना चाहिए उस तरह नहीं पहुंचता। इसलिए हजरत ने जो बात कही है ये तरबियती इस्लाही मजलिस है, हम में से हर आदमी इस्लाह का मुद्दा है, हम में से हर आदमी तरबियत का तलबगार। इसलिए अब मैं दो तीन बातें आपसे जिक्र करता हूँ कुरान की इस आयत के हवाले से। पहली बात तो ये है, एक है शरीयत और एक है तरीका। बात लोग ये समझते हैं कि शरीयत और है तरीकत और है, शरीयत का तरीकत से ताल्लुक नहीं, तरीकत का शरीयत से ताल्लुक नहीं, ये सरापा जहालत है, हिमाकत है। कुरान और हदीस के इल्म की सही मालूमात न होने का नतीजा, ये दोनों चीजें एक है शरीयत और तरीकत। जो शरीयत है वो तरीकत है, जो तरीकत है वो शरीयत,
अब शरीयत किसको कहते हैं और तरीकत किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। शरीयत कहते हैं जाहिरी फराइज के आमाल को बजा लाना, शरीयत कहते हैं जाहिरी फराइज के आमाल को बजा लाना, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, जकात देना। शरीयत ने जो जाहिरी तौर पर हम पर फर्ज किया है उसके बजा लाने को शरीयत पर अमल करना कहते हैं। और तरीकत कहते हैं बातिनी तौर पर जो हम पर फराइज, जैसे जाहिरी तौर पर हम पर फराइज है ऐसे बातिनी तौर पर भी हम पर फराइज है। तरीकत नाम है बातिनी फराइज को बजा लाना। आप कहेंगे मौलाना आपने अल्फाज के तेजो कम से अपना दावा साबित कर दिया, दावे की दलील क्या है? तो मैं दावे की दलील पेश करता हूँ। जाहिरी तौर पर हमारे इस्लाम की पहचान के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जकात, ये जाहिरी फराइज के आमाल कहलाते हैं। इसी तरह उस अल्लाह ने हमको हुक्म दिया तदब्बुर इख्तियार ना करो, हसद में मुबतला ना हो, बदनजरी और बदगोई में अपने को गिरफ्तार ना करो। तो जैसे जाहिर में नमाज के वक्त में नमाज पढ़ना पड़ है, ऐसे अपने दिल को तदब्बुर के जर्रात से पाक करना पड़ता है। जैसे रोजा रखना रमजान के महीने में जरूरी है, ऐसे अपने आप के हर अमल में इखलास पैदा करना हमारे ऊपर फर्ज। तो नमाज के फराइज का सीखना फर्ज। इसी तरह इखलास और अखलाक के फराइज को अदा करने के लिए उसका सीखना भी फर्ज कहलाएगा। अमल आप कितना फराइज बजा लाए लेकिन अगर इखलास नहीं है, अखलाक दुरुस्त नहीं है, तो फराइज अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं मगर उसकी नूरानियत और रूहानियत आप महसूस नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये पक पक करना कि शरीयत और है, तरीकत और है, ये सरापा जहालत और हिमाकत की बात है। शरीयत जाहिरी फराइज के बजा लाने को कहा जाता है और तरीकत बातिनी फराइज के बजा लाने को कहा जाता है। जैसे जाहिरी फराइज का बजा लाना जरूरी है, ऐसे बातिनी फराइज का भी बजा लाना जरूरी है। मैंने आपके सामने कुरान की दो आयतें पढ़ी हैं, दोनों आयतों के मज़मून का ताल्लुक अहले ईमान से। अल्लाह ताला पहली आयत में कहते हैं ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और न मरो मगर इस्लाम की हालत में। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। अब दूसरी आयत पर आप ध्यान दें, अल्लाह कह ईमान वालों अल्लाह से डरो, तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या? अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हराम चीज से बचो। जो जितना ज्यादा हराम चीज से बचेगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह से डरने की पहचान यह है कि वो आदमी हराम चीज से बचने का एहतमाम करता है। का हराम चीज से बचो और सच्चे लोगों के साथ रहो। ये सच्चे लोग कौन है? नबी के जमाने में नबी सबसे सच्चा इंसान होता है, नबी के बाद नबी के सहाबा सबसे सच्चे इंसान, सहाबा ताबईन, तबे ताबईन के बाद कयामत तक सच्चे ईमान वाले। सच्चे ईमान वाले अल्लाह वाले वो सच्चों की जमात कहलाती है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह से डरो यानी हराम चीज से बचो और सच्चे लोगों के साथ रहो। इससे ये बात मालूम हुई कि कयामत तक सच्चे लोग इस दुनिया में रहेंगे। और सच्चे अच्छे लोग कौन है? जो हराम चीज से बचते हैं, जो अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, वही लोग सच्चे हैं। आज जो लोग खानकाहों में शेख मशाइख के पास आते रहते हैं,
तो जब अपनी आजाद मजलिस में बैठते हैं तो ये कहते हैं पहले जमाने की तरह अब शेर नहीं। क्या कहते हैं? पहले जमाने की तरह अब बुजुर्ग नहीं, जुनेद बगदादी, फरीदुद्दीन अत्तार, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बगदादी, ये वो लोग थे कि हरे दरख्त को घूर करके देख लें तो दरख्त के पत्ते सूख जाए। अब उन जैसे बुजुर्ग दुनिया में नहीं, जो ये बात कहता है वो इस कदर गुमराही में मुबतला है कि वो अल्लाह के ऐलान को झुठलाता। अल्लाह कहते हैं सच्चे हमेशा रहेंगे। अब सच्चों की पहचानने की तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए, अच्छों को जानने की तुम्हारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं ज्यादा सच्चे लोग इस तरह नहीं, मगर ये सोचना कि अब सच्चे लोग दुनिया में नहीं रहते ये सरापा की हालत है। अल्लाह का दीन बाकी है और अल्लाह के सच्चे बंदे दुनिया में ना रहे तो अल्लाह के बंदों को ये दीन अब पहुंचेगा कैसे? इसलिए अल्लाह ताला ने आयत में कहा ईमान वालो अल्लाह से डरो, हराम चीज से बचो और सच्चे लोगों के साथ रहो। ये अल्लाह वाले खानकाहों में बचने वाले, जिक्रुल्लाह का एहतमाम करने वाले, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार की तरकीब करने वाले, ये सच्चों की जमात कहलाती है, ये अच्छों की जमात कहलाती है। अब उन सच्चों और अच्छों को पहचानना और पता लगाकर उनके पास जाना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। वो आपके महले में आवाज नहीं लगाएंगे हम सच्चे हैं हम अच्छे हैं। उन अच्छे सच्चे लोगों का पता लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर आज हर चीज असली भी मिलती है नकली भी मिलती है, शहद दूध घी असली और नकली, हर चीज असली और नकली कम से कम हमारे यहाँ तो दस्तियाब ही है। दूध हो शहद हो घी हो, असली आपको असली चाहिए या नकली? हत्ता की आटा असली चाहिए या नकली? हत्ता की गरम मसाला असली चाहिए या नकली? दोनों मार्केट में मौजूद है। अब जिसको जैसी जरूरत होती है वो इस्तेमाल करता है। बाद लोग असली घी इस्तेमाल करते हैं, बाद लोग डाटा को समझकर इस्तेमाल करते हैं, बाद लोग असली शहद इस्तेमाल करते हैं और बाद लोग शकर के मजमूनों को शहद समझ करके इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों जिस तरह दुनिया में असली नकली चीजों की पहचान के लिए हर आदमी ने अपना अपना अलग शौक बना रखा है, अपने शौक के मुताबिक वो असली चीज तलाश करके इस्तेमाल करता, इसी तरह इस दुनिया में सच्चे लोग भी रहेंगे और झूठे लोग भी रहेंगे। जो नकली चीज होती है उस पर भी लेबल लगा रहता है, वो भी पैक आपको दिखाई पड़ती है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी सच्चे अच्छे लोग भी रहते हैं और सच्चे लोगों के लिबास और लिबाजे में झूठे कसाब लोग भी रहते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि असली घी का पता हम लगा लेते हैं, असली शहद का पता हम लगा लेते हैं, हमें असली अल्लाह वाले का पता लगा करके उससे मिलना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे अंदर लोग ऐसा होगा तो हमें असली अल्लाह वाला मिलेगा, सच्चा अल्लाह वाला मिलेगा, अकाबिर और मुस्तनद वली ये कामिल हमें मिल सकता है। मगर मेहनत हमको करनी पड़ेगी, सिर्फ मजलिस में बैठकर तबसरा करने से मसला हल होने वाला नहीं। ये बात समझ में आई? ये दो सवाल थे, दो सवाल का मैंने जवाब दिया। ये जो कह दिया जाता है बड़े बुजुर्ग आज के दौर में नहीं, ये झूठ बात। अल्लाह कह रहे सच्चे लोग रहेंगे, सच्चे लोगों के साथ रहो। अब पता लगाना, तलाश करना, उनसे मिलना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सच्चों से दुनिया खाली नहीं है, अल्लाह वालों से दुनिया नापैद नहीं है, उनकी तादाद में कमी जाती हो सकती है, मगर सच्चे दुनिया में न रहे, अल्लाह वाले दुनिया में न रहे, इस कायनात को करार नहीं मिल सकता है।
जमीन और आसमान को सुकून नहीं मिल सकता है अगर अल्लाह वाले इस जमीन के ऊपर न बसे। ये तो 22 करारे कायनात, अल्लाह वाले 22 करारे कायनात है, उनको तलाश करना, सच्चे लोगों के पास पहुंचना, ये हमारी आखिरी दुनिया है।